क्लियर है और सरकार उसको छुपाने की कोशिश कर रही है, सरकार उसको इग्नोर कर रही है। मगर उस थ्रेट को ना छुपाया जा सकेगा और ना इग्नोर किया जा सकेगा। उनका पूरा प्रिपरेशन चल रहा है, उनका लद्दाख की साइड और अरुणाचल की साइड पूरा ऑफेंसिव प्रिपरेशन चल रहा है। हिंदुस्तान की सरकार सोई हुई है, इस बात को हिंदुस्तान की सरकार सुनना नहीं चाहती, मगर उनका प्रिपरेशन चल रहा है और प्रिपरेशन युद्ध का है, प्रिपरेशन कोई इंकर्शन का नहीं है, प्रिपरेशन युद्ध का है। अगर कोई भी इन बातों को समझता है, अगर आप उनका वेपन का पैटर्न देख लें, वो क्या कर रहे हैं वहां पे, वो युद्ध की तैयारी कर रहे हैं और हमारी सरकार इस बात को छुपाती है और इस बात को शायद एक्सेप्ट नहीं कर पाई। हो क्यों रहा है? क्योंकि हिंदुस्तान की सरकार इवेंट बेस्ड काम करती है, हिंदुस्तान की सरकार स्ट्रेटेजिकली काम नहीं करती, इवेंट बेस्ड काम करती है। वो सोचने की भैया यहां पे एक इवेंट करो, यहां पे एक और इवेंट करो, मगर जब आप इंटरनेशनल रिलेशंस की बात होती है, जियो स्ट्रेटेजी की बात होती है, वहां पे इवेंट काम नहीं करता है, वहां पे शक्ति काम करती है। तो मैंने 3-4 बार बोला है कि सावधान रहना चाहिए, जो हो रहा है उसको समझना चाहिए। उनकी बयानबाजी आती रहती है, मैं देखता हूं एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बोलते रहते हैं, कहना नहीं चाहिए, मगर शायद उनको थोड़ी अपनी समझ गहरी करनी चाहिए। उसे कह रहा हूं वो बिल्कुल क्लियर है और सरकार उसको छुपाने की कोशिश कर रही है, सरकार उसको इग्नोर कर रही है। मगर उस थ्रेट को ना छुपाया जा सकेगा और ना इग्नोर किया जा सकेगा। उनका पूरा प्रिपरेशन चल रहा है, उनका लद्दाख की साइड और अरुणाचल की साइड पूरा ऑफेंसिव प्रिपरेशन चल रहा है। हिंदुस्तान की सरकार सोई हुई है, इस बात को हिंदुस्तान की सरकार सुनना नहीं चाहती, मगर उनका प्रिपरेशन चल रहा है और प्रिपरेशन युद्ध का है, प्रिपरेशन कोई इंकर्शन का नहीं है, प्रिपरेशन युद्ध का है। अगर कोई भी इन बातों को समझता है, अगर आप उनका वेपन का पैटर्न देख लें, वो क्या कर रहे हैं वहां पे, वो युद्ध की तैयारी कर रहे हैं और हमारी सरकार इस बात को छुपाती है और इस बात को शायद एक्सेप्ट नहीं कर पाई। हो क्यों रहा है? क्योंकि हिंदुस्तान की सरकार इवेंट बेस्ड काम करती है, हिंदुस्तान की सरकार स्ट्रेटेजिकली काम नहीं करती, इवेंट बेस्ड काम करती है। वो सोचने की भैया यहां पे एक इवेंट करो, यहां पे एक और इवेंट करो, मगर जब आप इंटरनेशनल रिलेशंस की बात होती है, जियो स्ट्रेटेजी की बात होती है, वहां पे इवेंट काम नहीं करता है, वहां पे शक्ति काम करती है। तो मैंने 3-4 बार बोला है कि सावधान रहना चाहिए, जो हो रहा है उसको समझना चाहिए। उनकी बयानबाजी आती रहती है, मैं देखता हूं एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बोलते रहते हैं, कहना नहीं चाहिए, मगर शायद उनको थोड़ी अपनी समझ गहरी करनी चाहिए।